वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंस्पायर वॉरियर। जैसे कि आप लोगों ने और मैंने आपको जो था जो JKSSB SI का जो सिलेबस था इंग्लिश का वो डिस्कस आपके साथ कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमने सुने भी हैं और पढ़े भी हैं। मतलब जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ना तीन वर्ड्स आते हैं, ए एंड दी। मतलब यही जो तीन वर्ड्स हैं ये क्या हैं, आर्टिकल्स हैं इंग्लिश की ग्रामर में। मतलब कि हमने देखना है कि व्हाट आर आर्टिकल्स, एक्चुअल में आर्टिकल्स हैं क्या और इनका काम क्या है और इनका डिफरेंसेस क्या है इनमें। ए एंड दी जो आर्टिकल्स हैं थ्री हमारे पास, इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये यूज़ कहाँ होते हैं, आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। मतलब अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि आर्टिकल्स जो हैं वो यही तीन वर्ड्स हैं, वो वाले वर्ड्स हैं। मतलब ए एंड दी ये वर्ड्स हैं जो किसी भी नाउन के पहले लगते हैं और नाउन के पहले लगकर ये क्या करते हैं, मतलब बताते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। जो ये स्पेसिफिक और जनरल है ये कंसेप्ट हम एक बार एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया कि आर्टिकल्स वो वाले वर्ड्स होते हैं, यही तीन वर्ड्स जो कि नाउन के पहले लगते हैं, मतलब बिफोर द नाउन, जो नाउन के पहले लगते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं और बताते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है, कोई पर्टिकुलर है या कि जनरल है, ठीक है। ये होगी हमारे सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया गया। तो आर्टिकल्स आप देख रहे हैं ए एंड दी, यही जो तीन वर्ड्स हैं ये क्या है हमारे, आर्टिकल्स इंग्लिश की ग्रामर में। और ये इट इज़ यूज्ड, अब डिफाइन जो इसने डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, इट इज़ यूज्ड, इट मीन्स आर्टिकल ये यूज़ होते हैं बिफोर द नाउन, नाउन के पहले। अब नाउन जो है वो किसी पर्टिकुलर थिंग पर्सन प्लेस को बोलते हैं, तो आपको सबको पता ही है। मतलब वो वाले वर्ड्स जो कि नाउन के पहले लगते हैं और शो करते हैं कि जो नाउन है, जो इट मीन्स जो नाउन है वो क्या रेफर करता है, कि वो स्पेसिफिक है या फिर जर्नल है। ये डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि आर्टिकल्स यही तीन वर्ड्स होते हैं और ये नाउन के आगे लगते हैं और नाउन के आगे लग के क्या बताते हैं, कि जो नाउन है वो कोई स्पेसिफिक है या फिर जर्नल। अब ये स्पेसिफिक जर्नल जो कंसेप्ट है इसको हम एग्जांपल्स में देखते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मीन्स जब हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताओ, मतलब कोई भी हम पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी है मुकेश वोर द शूज़ ही बॉट ऑन हिज बर्थडे। मुकेश जो है वो वाले शूज़ उसने मतलब पहना है जो उसको बर्थडे में मिला था। अब जो शूज़ जो है ये तो नाउन है, लेकिन इसके पहले हमने दी लगाया है, ये तो पर्टिकुलर है कि हमने वही शूज़ पहना है जो उसके बर्थडे में मुकेश को मिला था। ये मीन्स स्पेसिफिक मीन्स जब हमें कोई चीज़ पता हो, ठीक है। फिर होता है जर्नल। जर्नल्स मीन्स ऐसे कोई चीज़ जो स्पेसिफिक ना हो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक बुक, मतलब मेरे पास बुक, आई वॉन्ट अ बुक, मुझे बुक चाहिए। अब मुझे यही नहीं पता कि मुझे उसमें से कौन सी बुक चाहिए, इंग्लिश की बुक चाहिए या फिर SST की बुक चाहिए या मुझे कोई नॉवल चाहिए। इसमें मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे बुक कौन सी चाहिए है, ठीक है। ये इसमें डिफरेंसेस है स्पेसिफिक और जर्नल में। आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने इसमें बताया था कि आर्टिकल्स नाउन के पहले लगते हैं और स्पेसिफिक और जर्नल बताते हैं, ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया, ठीक है। ये होगी हमारी डेफिनेशन आर्टिकल्स की। उसके बाद मतलब अकॉर्डिंग टू यूसेज कि आर्टिकल्स कैसे यूज़ होते हैं, हमने आर्टिकल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसमें क्या आता है, दी, उसमें हम किसका मतलब यूज़ करते हैं, दी का यूज़ करते हैं। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। अब जो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स है ये वही है जो हमने ऊपर स्टडी किया था, स्पेसिफिक और जनरल। मतलब डेफिनेट आर्टिकल कोई यूनिक चीज़, कोई स्पेसिफिक चीज़, जब भी हमें किस चीज़ के बारे में पता हो कि स्पेसिफाई हो कि ये चीज़ हमें हमारे पास है, ये चीज़ हमें लेनी है। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट अ बुक, जो बुक थी वो हमें पता नहीं है कि मुझे कौन सी बुक चाहिए, SST या इंग्लिश है, तो जनरल बात की। लेकिन हम जब जनरल बात करते हैं, जो चीज़ हमारे पास स्पेसिफाई नहीं है, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, ए और एन का। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ का यूज़ करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ हमें पता हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, दी का यूज़। ये क्या हो गया आर्टिकल्स के टाइप्स। जो आर्टिकल्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में हम दी का यूज़ करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम ए और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा।
अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि आर्टिकल्स एक्चुअल में है क्या और इन आर्टिकल्स में डिफरेंसेस क्या है और इस जो आर्टिकल्स ए एंड डी है वो यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। ये जो सारी डेफिनेशन थी, जो सारा था, ये मैंने आपको बेसिक इंट्रो दी आज की आर्टिकल्स की, ठीक है। देखिए, आर्टिकल्स वो वाले वर्ड्स होते हैं, मतलब यही तीन वर्ड्स ए एंड डी, जो कि किसी नाउन के आगे लगते हैं। नाउन कोई प्लेस हो गई, कोई पर्सन हो गया, कोई थिंग हो गया, उसके आगे लगते हैं और वो आगे लग के क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, बताते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या कि जनरल है, ठीक है। ये स्पेसिफिक और जनरल का कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया जो आर्टिकल्स हैं, मैंने उसको टू, मैंने नहीं, इंग्लिश की ग्रामर में उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टू टाइप्स में कौन सी, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब जो डेफिनेट आर्टिकल्स है उसमें डी आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आता है, ठीक है। ये तो सारा कंसेप्ट हो गया आज की कंसेप्ट, मतलब आज की क्लास में मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताऊंगी जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है और डेफिनेट आर्टिकल्स है उसमें डिफरेंसेस क्या है, और जो दी है वो कहाँ यूजेस होता है, और जो ए और एन है वो कहाँ यूजेस होता है। ये सब हमने इंट्रो पढ़ी, लेकिन आगे से कुछ रूल्स होते हैं कि जो दी है उसके क्या रूल्स है, वो कहाँ यूज़ होगा, जो ए और एन है उसके क्या रूल्स है, वो कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, टाइप्स भी स्टडी कर लिए थे, ये भी पता लग गया कि हमने ए एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है, जो दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते, इसमें डिफरेंसेस क्या है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो आर्टिकल दी है जिसको हमने डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में डिस्क्राइब किया है, वो जो दी है ये इसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हम इसमें स्टडी करेंगे कि इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ दी, ठीक है। फर्स्ट जो है इसका यूजेज, वी यूज़ दी। अब देखते हैं कि इसका फर्स्ट यूज़ जो है, आर्टिकल दी जो है वो कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट हम देखेंगे वी यूज़ दी बिफोर कॉमन नाउन्स दैट डिस्क्राइब अ होल क्लास। हम दी का यूज़ कहाँ करते हैं, कॉमन नाउन्स के पहले, कोई भी कॉमन नाउन्स हो और डिस्क्राइब करता है पूरी होल क्लास को, ठीक है, बाकी बातें पूरी क्लास को डिस्क्राइब करता है, उसको हम, उसके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, दी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या है, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। जो काउ जो है वो कॉमन नाउन है और इसके पहले हमने क्या यूज़ किया है, दी, क्यों, क्योंकि हमने इसमें इस मतलब लाइन में हमने ये देखा था जो दी जो है वो कॉमन नाउन के आगे लगता है और डिस्क्राइब करता है पूरी क्लास को। अब इसकी क्लास क्या थी, एनिमल, जो काउ जो है वो पूरी एनिमल की क्लास को डिस्क्राइब कर रहा है, ये है इसका फर्स्ट रूल, ठीक है। अब सेकेंड रूल है, इट इज़ यूज बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स। जो दी है वो कहाँ यूज़ होता है, जो प्रॉपर नाउन्स के आगे यूज़ होता है। अब ये प्रॉपर नाउन्स कौन से हुए, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, कोई भी ओशन का नेम आ गया, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन के पहले हमने क्या लगाया, दी। द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के हमने पहले क्या लगाया, दी। ये कौन से हो गए, प्रॉपर नाउन्स। सेकेंड देखते हैं, नेम्स ऑफ रिवर्स, कोई भी जो रिवर्स होती हैं उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, दी। फॉर एग्जाम्पल दी गंगा, दी यमुना एक्सेट्रा, इसके आगे भी हमने क्या लगाया, दी। थर्ड वन देखते हैं, नेम्स ऑफ दी सी, जो सी के पहले भी हम क्या लगाते हैं, दी। फॉर एग्जाम्पल दी अरेबियन सी एक्सेट्रा, इसके सबके आगे हमने क्या लगाया, दी, क्योंकि ये सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। फिर देखते हैं होली बुक, कोई भी जो होली बुक, मतलब इसको हम जैसे भगवत गीता हो गई, महाभारत हो गई, इसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, दी, क्योंकि इन सभी बुक का जो श्लोक होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता कि जो भगवत गीता हम छोटी वाली परचेस कर रहे हैं, क्या पता उसमें श्लोक अलग हो, क्या पता हम ज़्यादा बड़ी लें तो उसमें श्लोक अलग हो, लेकिन श्लोक एक जैसे ही होंगे, बस उनका साइज़ छोटा होगा, मतलब बीच का जो मटेरियल है वो प्रॉपर ही होगा, जैसा आपको गीता की, भगवत गीता की छोटी वाली बुक में मिलेगा वैसे ही आपको बड़ी वाली बुक में मिलेगा, लेकिन जो श्लोक होंगे वो सेम ही होंगे। ये क्या हो गया, प्रॉपर चीज़ें, ठीक है। इसके अभी हम क्या यूज़ करते हैं, दी। सेकंड, थर्ड वन होता है, इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक। कोई भी चीज़ जो सिर्फ सिंगल हो और यूनिक हो, उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, दी। अब एग्जांपल देखते हैं, दी मून, मून जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही या दो तो है नहीं ना, तो ये क्या हो गई, यूनिक चीज़। द सन, द स्काई, ये सब क्या हो गया, यूनिक चीज़ें, ठीक है, जो पूरे एरिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ही हो, ठीक है, उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, दी। अब आता है फोर्थ रूल, फोर्थ वन में क्या है, जब हम ऑर्डिनल नंबर्स की बात करते, ऑर्डिनल नंबर्स इन सेंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर। जब हम फोर्थ थर्ड ये सब क्या हुआ, ऑर्डिनल्स।
अब हम एग्जाम्पल दे दी थर्ड टाइम। अब थर्ड क्या था? ऑर्डिनल नंबर। इसके पहले हमने क्या यूज़ किया? दी। ये भी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद यू आर दी ओनली वन। जब भी हम किसी सेंटेंस में ओनली देखते हैं उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं? दी। ये हो गया इसका फोर्थ रूल। अब आपको इसके रूल्स जो हैं वो मतलब क्लियर हो गए होंगे ना। जो दी है वो कहाँ यूज़ होता है? कॉमन नाउन्स के आगे यूज़ होता है, जो पूरी होल क्लास को डिस्क्राइब करता है। सेकंड वन हमने देखा, जो दी है वो हम प्रॉपर नाउन्स के आगे यूज़ करते हैं। प्रॉपर इन द सेंस कोई चीज़ जो प्रॉपर हो, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशन, कोई रिवर्स का नाम आ गया दी गंगा, कोई होली बुक का नाम आ गया, कोई ओशंस का नाम आ गया, कोई माउंटेन रीजन्स के नाम आ गए, इनके आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं? दी। ये हो गया इसके फोर्थ रूल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, ठीक है। नेक्स्ट वन हुआ, इट इज़ यूज टू रेफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मैंशन। जो दी है हम कहाँ यूज़ करते हैं सेंटेंस में? एक बार जब हमने कोई चीज़ डिस्क्राइब कर ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, ठीक है, ये मैंने आई लिखा। जब हम इस कार की बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, दी कार इज रेड, मतलब सेंटेंस में आई बॉट अ कार, मैंने कार खरीदी, लेकिन जो कार कौन सी है वो रेड है। हमने इसमें कार मतलब कार को हमने फिर से डिस्क्राइब किया ना, तो उसके पहले हमने क्या लगाया? दी। इसका मतलब जब हम कोई भी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर चीज़ को फिर से रिपीट करते हैं, मतलब अगेन हम लिखते हैं, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? दी। नेक्स्ट सिक्स रूल हुआ, वी यूज दी बिफोर कॉमन नाउन्स दैट डिस्क्राइब, ये हमने शायद फिर से डिस्कस कर लिया था होल क्लास, फिर से इसका रूल आ गया कि हम कोई भी कॉमन चीज़ हो उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं? दी, ठीक है। फिर आता है सेवन्थ रूल, विथ सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव डिग्री हमने जो है बचपन से पढ़ते हैं, टॉलेस्ट टॉल जो भी है, तो सुपरलेटिव डिग्रीज बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास। द टॉलेस्ट क्या हुआ? सुपरलेटिव हुआ, और दी हमने इसके पहले यूज़ किया। इसका मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री से जो हम बात करते हैं उसके पहले भी क्या लगाते हैं? दी। ये सब क्या थे हमारे रूल्स, मतलब इम्पॉर्टेंट यूसेज ऑफ दी। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो दी जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल्स इन द सेंस कोई भी चीज़ जो पर्टिकुलर हो, यूनिक हो, स्पेसिफिक हो, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? दी लगाते हैं। और जो दी है इसके कुछ रूल्स हैं कि हमने यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कोई कॉमन नाउन जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा, फिर भी दी लगाते हैं। कोई प्रॉपर नाउन उसके आगे भी दी लगाते हैं। जब कोई चीज़ हम एक बार डिस्क्राइब करके अगेन उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर भी हम दी का मतलब यूजेस करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर्स की, जब हम ऑर्डिनल नंबर्स या ओनली कोई सेंटेंस में दिखता है फिर भी हम दी का यूज़ करते हैं। ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दी और ए एन के यूजेस क्या है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसके यूजेस क्या क्या, जो ए और एन है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, थैंक यू।